और इसी के साथ दोनों टीमें लाइन्स अप हो चुकी हैं। उनके साथ सलाहुद्दीन साहब, ZBO और चेयरमैन साहिक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट, और अंपायर सरफराज जरगर और खाकान राथर, और कोच रेंज ऑफिसर भलेस। और ये दोनों टीमें जो है तालियों के साथ और बच्चों के साथ ग्राउंड की ओर बढ़ेंगे। तो तालियों के साथ दोनों टीमों को स्वागत करें। ओ विनय जी, उस साथ कट रहे हो यार। विनय भाई इधर 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 बीच में गैप रखो भाई। विनय जी कट्ठे आना था, वीडियोग्राफी करनी, कट्ठे आओ, कट्ठे फोटो भी ले लेना यार। अर्जुन मेरा मोबाइल किसके पास? मेरा मोबाइल। ओ जो है चक्कर, ओ भाई चलो बोलो ये अच्छी तरह करना है। इतना कि क्रिकेट खास बात के लिए, क्रिकेट खेलना है ये थोड़ा हाथ काट के ये नीचे रख दो। आगे दोनों कैप्टन को बोलो उठाओ मेरा हाथ में, दोनों इसको उठाओ ना। दोनों कैप्टन ट्रॉफी के साथ फोटो ले रहे हैं। ठीक है, लड़ो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रावण उत्कल बंगा, इंडिया हिमाचल यमुना गंगा, चल जल की तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। बोलना क्या कॉल है, ठीक है? मैं खाकान राथर, हम दोनों ईश्वर को हाजिर नाजिर रखते हुए ये शपथ लेते हैं, हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बिना पक्षपात के। ज़ूम मार, अभी खोल लेंस, खोल। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं ब्लेस की ओर से जा रहा है, मगर कमी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमियां हैं। इन सब चीज़ों पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये हमारे साथ विनय जी हैं जिसने इस सारे प्रोग्राम को जो है वो चलाया और काफ़ी अच्छे से चलाया। उसके बाद हमारे यहाँ के BJP के बहुत बड़े सीनियर लीडर मंडल प्रधान, उसके बाद ZBO हमारे साथ हैं, सलाहुद्दीन साहब। मैं सबसे पहले सलाहुद्दीन साहब से पूछना चाहता हूँ, निरीक्षक साहब से, अगर देखा जाए तो बच्चों में काफ़ी अच्छा टैलेंट है सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो जो बहुत सारी खेलों की स्कीमें निकाली हैं उसके तहत जो हमारे बच्चे जो हैं आज कहीं ना कहीं जो है वो बाहर जाके एक अच्छा एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के जो है पूरे मुल्क में अपना नाम जो है। हमारे साथ कुछ यहाँ प्लेयर्स हैं जो आज यहाँ फाइनल खेल रहे हैं, उनके साथ हम बात करेंगे और पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि जो गवर्नमेंट का एक नारा है खेलो इंडिया के तहत जो है हजारों करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि नशा मुक्त भारत करना, जो भी योगदान होगा इन सब प्रोग्राम इस सब प्रोग्राम को देख के कहीं ना कहीं जो आने वाला दिन है लिसा की के लिए काफी अच्छा हो सकता है, आपके हिसाब से क्या कहना चाहूँगा? सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज इस टूर्नामेंट को कवर किया, और जो लोग हमारे भलेसा को अभी तक भलेसा को एक फार फ्लंग
एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं, और अपने विलेज के यूथ से ये गुजारिश करूंगा कि वो जो भी यूथ ड्रग्स में इंडल्ज हैं वो उससे बाहर आएँ, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मेरा यही कहना था। आने वाला दौर जो है, क्या बलिसा के लिए ऐसे प्रोग्राम और हो सकते हैं? ज़रूर, हम तो ये टूर्नामेंट हर साल, इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे हमने इस टूर्नामेंट का नाम ही रखा है India@75। तो अगले साल जो होगा वो और नाम चेंज करके, लेकिन हम हर साल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ गुंदों में कराया, और यहाँ जो अनहिटेड उसका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाया। और हम जहाँ तक देखा है कि हमारे प्लेस में इतना अच्छा टैलेंट है, इतना युवा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोडा में, मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा टैलेंट अगर स्पोर्ट्स में वो हमारे विलेज में, लेकिन हमारे बलेसा के बच्चों को चाहे टूरिज्म में देखा जाए, चाहे स्पोर्ट्स में देखा जाए, मैच और 87 टीम्स को हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने किस खेल के शानदार तरीके से टूर्नामेंट करवाए, ये पहला मौका है जो कराया गया, और आज उसका आखिरी मैच है। जय साहब, फाइनल है। जय साहब, और दोनों वैल्यूएबल प्लेयर आप भलेसा में, इनको कहूँगा बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं भलेसा के लिए, हमारी हमारी शान का मजा लेते हुए। अभी हमारे और भी मेहमान हजरात आने बाकी हैं। तो सारा गेंद काफी बाहर वाइड का मौका यहां पर, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है उस, और यहां पर एक हल्का सा मौका हो सकता है, लेकिन यहां पर गैप में गेंद गिरी। वो कहते हैं जब आप खेलते हैं तो भाग्य में आपका साथ देते हैं, तो ठीक इसी तरह नितिन की जो है आज गेंद जो है पूरा साथ दे रहे, और यहाँ पर अपने 50 रन पूरे करते हुए नितिन शर्मा कैच नहीं आई है, लेकिन सिंगल डबल ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि यहाँ से आप अभी आपको 10 ओवर खेलने हैं, तो चाहे कि विकेट जितनी भी हाथ में होगी तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि अगले ओवर का हाल जो है वो आपको बताएंगे। तो मैनेजर जी, शुक्रिया अक्षय जी, मौसम में थोड़ी सी तब्दीली ग्राउंड के अंदर, और यहाँ पर चांस बनता था, लेकिन यहाँ पर मिस फील्ड के कीपर द्वारा, यहाँ पर अगर ये कैच कीपर जो है वो काफी दूर रह चुके हैं, इनके ग्लोव्स से जो है गेंद काफी दूर थी, हालांकि पिछले ही गेंद से इन्होंने एक जबरदस्त कैच पकड़ा था। माफ कीजिए, यहाँ पर खाली एक रन इन, तो अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, हालांकि कैच मिस किया, लेकिन उसके बावजूद भी फील्ड में उन्होंने जो है बाउंड्री रोकी। हाँ, तो जरूर यहाँ पर थोड़ा जजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, एक हमें लगा था यहाँ से कि शायद चौका होगा, लेकिन अंपायर ने उसे, तो यहाँ पर गुजारिश की जाती कि कप्तान जो है नितिन शर्मा को इस तरह ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। कहीं के रूमल का रूमल ने दौड़ना शुरू किया, अंदर के पास जो गेंद की गेंद को निकाल दिया है मिड ऑफ की जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। जितेंद्र सिंह ने एक रन का इजाफा, इस एक रन के इजाफे के साथ थैंक्स ब्रो, व्हाट अ नाइस साउंड एंड फुल एडिटिव यू, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुर्शीद मलिक यार सही कमेंट, तो इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन मिला जुला रद्द अमल यहां पर आता हुआ। गुलजार अहमद, टारगेट कितना है, तो 154 रन का हदफ, 134 अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की इस गेंद को खेलते हल्के हाथों से गली की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, तो एक रन का इजाफा, इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ साथ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो हमारे साथ हमारे एक और कमेंटेटर अर्जुन जी जुड़े हैं,
स्पेशल डिमांड अर्जुन जी की आई है यहाँ SDM साहब गुद्दो अर्जुन की तरफ से कि वो अर्जुन भी जी भी है कमेंट्री करे, तो हम उनको दावत देते हैं प्लीज हमारे साथ यहाँ कमेंट्री बॉक्स में शामिल हो जाए। तो आगे का खुदे का सुनाने के लिए हल्के हल्के कपड़ों से पावे लेन वापस जाते हुए अर्जुन। जी हाँ बिल्कुल, जितेंद्र ने जो है विकेट का सवाल चख लिया है, घातक सिद्ध हो सकते हैं अब, और लेकिन बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है उत्तम ठाकुर। दूसरे खिलाड़ी जो हमारे जितेंद्र हैं, कैसर हैं, बाकी सारे जितने भी यंगस्टर हैं, हमें खुशी की बात होती है ऐसे यंगस्टर को देखते हुए। फिलहाल अच्छे क्रिकेट इस बीच गेंदबाज राइट हैंड बॉर्ड विकेट उनका सामना करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इस बीच गेंद जो पड़ने के बाद फिर उनके पैड पर लगते गेंद जो है वापस आई है। इस बार रन बनाने का मौका था 22 की शुरुआत करने से, अंपायर को क्रॉस किया और काफी बढ़िया गेंद थी लेकिन कामरा मल ने दिखाई अंदाज आपको। फिर यहां से जो थे जिस टाइम आप ओपन करने आए थे यहां पे बल्लेबाज, तो 10.3 क्योंसे से यहाँ पे रन बनाने थे। गेंदबाज अपने धोनी के निशान पर ऊपर पहुंचे, इस बार इस गेंद को निकाल दिया, जरूर कुछ हद तक गेंद जो थी हवा में रही थी, चांस बन सकता था लेकिन फील्डर से कहीं काफी ज्यादा दूर थी। इस तरह से एक रन बनाने में कामयाब, छोर बदला कामरान ने इस एक रन के साथ, कहीं ना कहीं जरूर इनकी भी सोच होगी कि पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इस संकट से निकालना होगा, तो पार्टनरशिप बनाना पड़ेगी। यहाँ पर कैसर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अगर यहाँ पे लंबे लंबे हिट देखने को गेंद करेंगे और बिल्कुल आराम से स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, जब भी उन्हें लगता है कि इस मैच इस ओवर में हमारा जो है रन आ चुका है, बिल्कुल गेंद को आराम से। तो स्कोर जा पहुंचा है अभी 85 पे 2 विकेट 9 ओवर की समाप्ति, तो रन रन रेट इनका चल रहा है ना। रहेंगे उनके बैट्समैन जो 1 या 2 ओवर कौन से होंगे जिनसे वो रन ले आएंगे। गेंद को निकाल दिया, एक्स्ट्रा कवर की जाने, खूबसूरत शॉट है विनय का, एक रन बना दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी। नितान ने जो है वो गेंद के अंपायर का इशारा, 2 रन तो इन 2 रनों के इजाफे के साथ सिकोर नहीं है क्रिकेट में, तो काफी अच्छा सुचोस था विनय जी। अगर जी कोई बात नहीं, टीम खेल रही है तो क्या करते रहे आप। कुछ नहीं, एक ही रन मार दिएगा, एक रन है, क्या बताना चाहेंगे आप? अगर 4 गेंदों में तो यहाँ पर और की जो होली देखिए, जी चीज की बात आप कर रहे थे फिलहाल, तो अच्छा सा एंजॉय कर रहा है, अच्छी काफी महंगे साबित होते हुए कामरान मैच आते आप, हाँ उनको चाहिए कि ब्रेक कर पहले अच्छे से खेला, गेंद को खींच कर आने दो। तो क्या कहते हैं आप भाई, आप नितिन शर्मा कौन सा फैसला लेंगे, किस गेंदबाज को यूज करेंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज कामरान मलिक 27 गेंदों में 40 रन। हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ दर्शकों को कि कामरान मलिक के फादर साहब भी मैच देख रहे हो तो काफी खुश होंगे, वो आज अपने लड़के को इस मैदान में बल्लेबाजी को पहली बार करते हुए तो काफी आनंद है, हम भी काफी खुश होते हैं क्योंकि अपनी टिका के रखी वो अपनी टीम को जिताएंगे। उनकी भले इस वक्त यही सवाल है और इसके खतरे की तो फिर हो गया ही होगा, तो फिलहाल यहाँ पर वापस आते हुए ये आपकी सौ आना था। अच्छा अच्छा अगर विनय जी के बल्ले से स्ट्रोक देखने को मिलेंगे लंबे लंबे स्ट्रोक, तो मैच पलट जाएगा, जॉली में फेंक देंगे और रॉयल बलेजा की, तो हम कमेंट पढ़ना चाहेंगे आप शिकार 2011 के विश्व कप में। क्या सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि वहां पर जाओगे शतक मारा था, अगर बताता चलो मैं तो काफी काफी क्या कहना चाहेंगे, माफी जो गेंदबाजी काफी चोर रखते हैं, विनय विनय काफी चढ़ चुके इस मैदान पे, होम ग्राउंड है उनका और उनको पता है उठता हुआ शॉट और फिर चार। इसे कहते हैं कि मेहनत मेहनत बादलों का साथ दे दिया और इस बार उस गेंद को निकाल दिया है, निकाल देखा है अंपायर का इशारा और अंपायर का इशारा यहाँ पर हुआ था। सामने विनय अच्छा मुकाबला किया उन्होंने आज और यहाँ पे रन आउट। नारायण गेंद निकाल दिया
फील्डिंग का फैसला लिया, किसी न किसी हाथ तक ये कहीं खराब फैसला था, लेकर रन बनेगा के बल्लेबाज मीर ने जो माजी की हल्का विशेष गेंद को खेल दिया है, बिल्कुल मिडिल की चाली वहां पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया तो एक रन का इजाफा, अंपायर का इशारा के लिए लेफ्ट साइड का रन, इसके मैच जो है वो बिल्कुल बराबर, मैच इक्वल, एक रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और ये हरी बार विंडो में खेला जाने वाला फाइनल ये आप पूरी तरह रुख पकड़ ये पलटता हुआ रॉयल फलेसा की तरफ और पांच गेंद में सिर्फ एक रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और लेकिन बहरहाल एक टीम ने हारना था एक टीम ने जीतना था, मैं हार्ड लक कहूंगा गार्डन बलेसा को, लेकिन जिस किस्म का खेल गार्डन बलेसा ने छोटे छोटे बच्चों ने यहां दिखाया है वो काफी सराहनीय है और उसकी अप्रिशिएशन होगी, खास करके जबरदस्त गेम खेली है उसके बाद जो है यहां विनय मनाज प्रोफेसर जो हमारे हैं उन्होंने उसके बाद यावर तो दोनों टीम है सिर्फ टीम जो है अंदर आएंगी, बाकी सिविलियंस जो है थोड़ा बाहर रहेंगे, यार्ड से बाहर रहेंगे। तो मैं गार्डन गाड़ी को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, बहुत अच्छा आज उन्होंने यहाँ गेम दिखाया है, बहुत बड़ी अच्छी है, हमने मिलजुल के एक इवेंट बनाया था, ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया था टूर्नामेंट ऑफ द ईयर इसको कहा जाएगा 2022 का, इसका सारा जो सुपरविजन कर रहे थे विनय ठाकुर कर रहे थे, तो फाइनल सेरेमनी बहुत जल्दी यहाँ शुरू होगी, तो बहुत जल्दी यहाँ फाइनल अगर बने हैं वो बने हैं रॉयल बलेसा, क्योंकि मैं समझता हूँ रॉयल बलेसा की बड़ी बदकिस्मती रही थी फ्लोरन में कि वो फाइनल हारा था, तो बड़ा जबरदस्त फाइनल वो भी हुआ था, लेकिन आज जो है ये टूर्नामेंट जो है आगाज बज़्मे अव्वल खुदा का नाम अहले वज़न को मेरा खलूस भरा सलाम। इंडिया एट द रेट ऑफ 75 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय साहिक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट और इसमें अभी तक हमारे पास लगभग 80 टीमें यहां पे आई थी और 80 टीमों में से यहां पे हमारे पास दो टीमें जो फाइनल में पहुंची थी उसमें थे रॉयल बलेसा और गार्डन बलेसा। विनय जी को हमारी हमने पहले भी सोचा था 150 से ऊपर जाएंगे तो अच्छा फाइटिंग टोटल होगा यहाँ से,
लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते लड़के, कुछ तो हमारे साथ ही खेलते हैं, अब अलग से टीम बन गई, तो अच्छी बैक टीम है, तभी तो फाइनल खेल रही है। जहाँ तक रहा कि चेज करने का सवाल, हमें ऐसा लगा था कि आज वर्ल्ड क्लास कंडीशन से थोड़ा बॉल स्टार्टिंग में घूमने की कोशिश करेंगे विकेट लेने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नितिन ने अच्छी पारी खेली, स्कोर लेके गए थे और उसकी विकेट जब आई थी उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो हमारी तरफ आया था। और यही था मिडिल में जब खेल रहे थे कि लास्ट तक लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे 10-12 रन, तो वो आ रहे थे 10-12 रन, और एक आधा बड़ा ओवर चाहिए था हमें, वो मिल गया हमें, तो मुझे लगता है वही टर्निंग पॉइंट था। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में जिन लोगों ने कोऑपरेशन किया और जिनकी सुपरविजन में हुआ, तो इस टूर्नामेंट से क्या मैसेज, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों रुपए खर्च कर रही है खेलो इंडिया के तहत, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा जो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट समाज पे पड़ रहा है, और आपका क्या कहना है जो प्रोफेसर भी आप जो है शुरू कर रहे हो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन कुछ लोग हम आज भी देख रहे हैं कि वो ड्रग्स में लत पड़ते हैं, वो उनका कम बैक कैसे होगा, क्या कहना चाहोगे? आप देख रहे हो कि आज जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, विनय ठाकुर बढ़िया डिसिप्लिन से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्राउड में देखो कितना जो है वो यूथ आपको दिखाई दे रहा है, जो टीम खेलने के बाद हारने के बाद भी अभी भी जो है वो स्पेक्टेट करने आए थे इस मैच को, तो वो इसलिए आए थे कि क्योंकि ये टूर्नामेंट जो था एक अच्छी जो है वो डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज हुआ था, इससे पहले ही टूर्नामेंट हुआ स्टार्टिंग में जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे करवाया था, तो मुझे लगता है वो एक उन्होंने बेंचमार्क सेट किया था, तो उसी को ये कंटिन्यू करते हुए विनय ठाकुर जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, थैंक यू विनय जी एंड बेस्ट ऑफ एक बार फोटो क्लिक करने आज जो गेम का बड़ा लुत्फ उठाया और खुश है, नितिन भाई सामने, नितिन भाई सामने, थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं सर, सामने देखो आसिफ खान, तैयब अब्बास, उमर एजाज, अर्जुन ठाकुर, राहुल भारत, हाँ क्योंकि हमारे मेहमान जो है वो स्टेज पे ही है, इसलिए मैं दावत देना चाहता हूँ जो इश्तियाक मलिक जी और अपने टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तरफ से लेते हुए, इसके बाद मैं दावत देता हूँ सनाउल्ला साहब को, क्योंकि वो सनाउल्ला ग्रोइंग कश्मीर के जर्नलिस्ट, लगातार एक महीना यहाँ इस टूर्नामेंट में गुजारा है इन्होंने, बहुत सपोर्ट किया ग्रोइंग कश्मीर, शुक्रिया सर। इसके बाद मैं दावत दूंगा मोहम्मद सलीम खास, अब मैं दावत देना चाहता हूं तौसीफ खान, नहीं है शायद इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अपडेट, अब मैं दावत देना,
यूथ और स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा जो है किरदार रहता है फाइनल में भी, और उससे भी इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूं श्री शाहनवाज जी को जो प्रेसिडेंट। अब मैं पीएचई डिपार्टमेंट से अगर कोई यहां पे है तो आशिक साहब जो पीएचई डिपार्टमेंट से तल्लुक रखते हैं, बड़ा अच्छा इनका रोल रहा है। पावर डिपार्टमेंट जी साहब है, वो अपना जो है ट्रॉफी ले लें। तो पीजी हमें कंटिन्यू इस दौरान टूर्नामेंट्स के दौरान भी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय साहब। और हमारे इलाके के चहेते सरपंच कॉन्ट्रैक्टर स्टेशन परिसर के मनीर साहब की एक अपना इनाम लेते हुए, तो मैं चाहता हूं कि हम परिहार हैं, पहले हम सिंगी थे अब शेख हैं। अब मैं पास हमारे गेस्ट और चीफ गेस्ट लेट आए हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए, और मैं दावत प्रिंसिपल गवर्नमेंट संजय आर्य मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किलात्रा, बेस्ट डिसिप्लिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट। खेल से तो सब है लेकिन इनमें डिसिप्लिन पार्ट मिला है। बेस्ट गोल आप कौन है? अच्छा, इसके बाद एक और अवार्ड है जो फाइनल में अंपायर तो आप इसके बाद जो है मेमेंटोल जितेंद्र सिंह माजिद साजिद अहमद सजाद अहमद पम्मी कोतवाल रोमल कोतवाल कुलविंदर सिंह और देव जैसा की है। बड़ी जबरदस्त टीम आज इन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला है, बड़ा अप्रिशिएबल ये मैच खेला है, हमें तारीफ करनी होगी इन गार्डन वाली की। तो आप जो है आप विनर और टीम जो है वो अपना मेमोटो ले रही है क्योंकि उनके साथ मुबशर साहब आजाद भी हैं, पहले भी एक ही साथ में होते थे और आज भी एक ही साथ में है। तो गार्डन गाड़ी अपनी मेमेंटो हासिल करते हुए इसके बाद जो रॉयल बलिसा भी बिल्कुल तैयार है। अब रॉयल फुरकान शाह फिरदौस खाने फिरदौस खाने कामरान मलिक केसर मीर यासिर गनई सुरेश जमवाल राहुल मनहास हमारे मंडल प्रधान भी हैं और अपने मेजर साहब साथ दे रहे हैं। ये आर्मी जो है जब भी कोई मुसीबत आती है तब आर्मी आगे आती है, जब कोई टूर्नामेंट खेलते तब टीम जाओ जो स्पेशल हमने बनवाया था इस टूर्नामेंट के लिए, तो ये स्टेज जो है पहली विनर इस 75 क्रिकेट टूर्नामेंट की जो है रॉयल बलिसा, जबरदस्त खेला और करके विनर ने अपनी कप्तानी का जोहर आज दिखाया और एक जबरदस्त पारी खेल करके इस कप पे कब्जा किया है। बाहरी फोटो ले लेंगे, चैंपियन का बोर्ड भी वहां लगा ले। और जो मैंने आपके पास एक 7 स्टार दिया है, आप 12 स्टार दिया है, उसको भी वहां पे आप फाड़ेंगे। फोटो ले लेना।
रखो विक्ट्री साइन बना के सर। तो टीम के खिलाड़ी जो है कि विनर के साथ वहां पे आई लव भलीसा का बोर्ड लेकर भी फोटोज ले अपने आई लव भलीसा के जो बोर्ड है वो लेकर और फोटो जरूर अपलोड करो ना। क्या चाहिए आपको? रॉयल भलीसा।